हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लक्स इन्फोटेक सॉफ्टवेयर कंपनी। आज हम यहाँ डेमो करने जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता एक स्कूल का सॉफ्टवेयर है, जिसके साथ आपको मिलता है स्कूल का वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। तो आज हम डेमो करने जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, तो बने रहिए हमारे साथ। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये लॉगिन डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपके स्कूल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे तो आप अपने स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर जाएंगे। जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उसके बाद आपके स्कूल का लोगो और स्कूल का नेम यहां पर शो होने लग जाता है। तो हम बढ़ते हैं लॉगिन करके सॉफ्टवेयर में। ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया। ये एक डेमो है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, इसलिए यहां पर डेमो स्कूल आगरा लिखा हुआ है। अगर ये सॉफ्टवेयर आप हमसे लेते हैं तो आपको यहां पर लोगो और स्कूल का नेम यहां पर शो होगा, साथ ही यहां पर एडमिन यूजर का नेम शो होगा। तो आप देख सकते हैं ये है एडमिन डैशबोर्ड, आपके स्कूल का एडमिन डैशबोर्ड है, जिसपे आप देख सकते हैं फी कलेक्शन समरी, कितना फी डिपॉजिट हुआ है, कितना कंसेशन दिया गया है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट समरी। स्टूडेंट समरी में आप यहाँ देख सकते हैं मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये आपको यहाँ पे ग्राफ वाइज शो होंगे। इसके साथ ही आप एम्प्लॉय समरी भी देख सकते हैं। एम्प्लॉय समरी में आपके पास टोटल एम्प्लॉय स्कूल में कितने हैं, मेल कितने हैं या फीमेल कितने हैं। इसके साथ ही आप जैसे प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के और वो किसी स्टूडेंट्स की डिटेल सर्च करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे और स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो होने लग जाएगी। स्टूडेंट्स डिटेल्स में आप रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास रोल नंबर, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मतलब स्टूडेंट्स की जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी विद फोटो। और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स भी स्कूल में जमा है तो वो भी यहाँ पे शो होने लगेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं, फी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि किस मंथ में कितनी फीस जमा हुई है और कितना उनको कंसेशन दिया गया है। यहाँ पे वो एग्जाम्स डिटेल्स भी देख सकते हैं कि उनके टर्म वन में, टर्म टू में या हाफ ईयरली एग्जाम में उनके क्या मार्क्स रहे। अटेंडेंस डिटेल्स भी यहाँ से देख सकते हैं, वो अटेंडेंस डिटेल्स में उनका किस मंथ कितना अटेंडेंस रहा। डॉक्यूमेंट्स में वो अपने देख सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके सबमिट हैं या कौन से नहीं है, और यहाँ से वो स्टूडेंट्स बुक भी देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से इस पे कुछ और कस्टमाइज कर दिया जाए, कि आपको सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर खोलते ही कुछ और डिटेल्स मिले, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में आप यहाँ पे ऐड एडिट स्टूडेंट्स करके किसी भी स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे नया एडमिशन होता है आप, तो आप यहाँ पे उनकी सारी बेसिक डिटेल्स डाल के और उनको सेव कर देंगे और उनका फोटो अपलोड कर देंगे, तो ये स्टूडेंट का डेटा आपके यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट सर्च में जाके आप स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, सेक्शन, स्टेटस, मोबाइल नंबर, एडमिशन नंबर, या फिर ओवरऑल आपको स्टूडेंट सर्च करने तो आप बस ओनली सर्च पे क्लिक कीजिए और ओवरऑल स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। टोटल 560 रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी आपने डैशबोर्ड पे देखा था कि 560 स्टूडेंट थे। ये एक डेमो है, डेमो में स्टूडेंट्स के नेम नहीं है, स्टूडेंट 37 बस नंबर डाल दिए गए हैं यहाँ पे, मदर नेम, फादर्स नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपको यहां से एडिट करनी है तो आप यहां पेंसिल बने आइकॉन पर जाइए और इस पर क्लिक कीजिए, स्टूडेंट्स की पूरी ये डिटेल्स आपको खुल के आ जाएगी। इसमें आपको जो भी कुछ चेंज करना है, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं फोटो से लेके उनका पूरा बेसिक डिटेल्स, तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं और उसको सेव कर देंगे तो वो आपके सेव हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट अटेंडेंस। यहां से आप स्टूडेंट का ऑनलाइन अटेंडेंस ले सकते हैं, जैसे आप फर्स्ट क्लास की अटेंडेंस ले सकते हैं। सेक्शन वी, यहाँ पे ऑप्शन होता है सेलेक्ट स्टूडेंट्स का, एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप आउट स्टूडेंट, टेक टीसी टेकन। आपके स्कूल में एक्टिव स्टूडेंट्स तो वो होते हैं जो अभी आपके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ड्रॉप आउट जो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, या टीसी टेकन जिन्होंने पास आउट कर लिया है और टीसी लेके जा चुके हैं। तो आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्टूडेंट्स की डिटेल्स खुल कर आ जाएगी। सारे क्लास के स्टूडेंट्स आ गए, ये देखिए थर्ड क्लास सेक्शन वी, या आप यहां से सेक्शन वाइज देख सकते हैं या विदाउट सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं। ये सेक्शन वी की सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है स्कूल में तो आप उसको अनटिक कीजिए, जैसे ये तीन स्टूडेंट्स आपके स्कूल में एब्सेंट हैं तो आप यहां से उनको अनटिक करेंगे और सेव अटेंडेंस पे क्लिक कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये मैसेज आपके स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएगा। ये जो एसएमएस का ऑप्शन है इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आप कुछ भी इसमें अपना टाइप कर सकते हैं, जो भी आप मैसेज स्टूडेंट्स के पास या उनके पेरेंट्स के पास भेजना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड पर। स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड में आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन लिस्ट। सॉफ्टवेयर लगाने से पहले जो भी आप स्कूल का डेटा आप हमें प्रोवाइड कराते हैं वो स्कूल का डेटा आप चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन लिस्ट को जनरेट करके। देखिए कुछ इस टाइप की वेरिफिकेशन लिस्ट ये खुलकर आएगी, उसमें आपका क्लास वाइज स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डीओबी,
डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपकी जो भी आपने हमें दी होगी वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं और वो वेरिफिकेशन लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ लिस्ट, आप स्ट्रेंथ लिस्ट चेक कर सकते हैं, स्कूल में क्या स्ट्रेंथ है, क्लास वाइज स्ट्रेंथ देख सकते हैं, सेक्शन वाइज देख सकते हैं, डेट टू डेट देख सकते हैं, एक्टिव ड्रॉप आउट और टीसी टेकन, तीनों स्ट्रेंथ देख सकते हैं। इसके बाद आप आईडी कार्ड लिस्ट निकाल सकते हैं, आप आईडी कार्ड यहाँ से निकाल सकते हैं, स्टूडेंट एडमिट कार्ड आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज लिस्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, आपका स्टूडेंट एससी एसटी जनरल कोई भी कैटेगरी हो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, रिलीजन वाइज लिस्ट जनरेट कर सकते हैं आप यहाँ से, डे अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, रेंज अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, अटेंडेंस समरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एडमिशन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे इस सेशन में आपके न्यू एडमिशन होते हैं तो आप एडमिशन रिपोर्ट निकाल के उनके शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका प्रिंट भी ले सकते हैं आप, जैसे ये स्टूडेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है आप यहाँ से जाएंगे इसको सेव भी कर सकते हैं एक्सेल पीडीएफ वर्ड में, या आप यहाँ से इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आप डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में किन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, किन के नहीं है, वो पूरी स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे शो होने लग जाएगी। एसएमएस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टूडेंट्स को एसएमएस किए हैं उनकी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कि किनको इस एसएमएस डिलीवर हुआ है या किनको नहीं। एलओसी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड में मांगी जाती है। इसके अलावा आप सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या किसी भी बोर्ड से संबंधित रिपोर्ट चाहते हैं, आपका स्कूल जिस भी बोर्ड से अटैच है तो आप यहाँ वो कस्टमाइज भी करा सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी रिपोर्ट यहाँ कस्टमाइज करा सकते हैं और वो आपको जनरेट करके दे दी जाएगी। इसके बाद एडमिशन लिस्ट, एडमिशन लिस्ट में आप देखेंगे जो भी बच्चों ने ऑनलाइन आपकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एडमिशन लिया है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगी, आप उनका प्रिंट भी ले सकते हैं या उनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ लीव एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके साथ हम वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन देंगे उसमें ये सॉफ्टवेयर के साथ लिंक रहेगा वो, तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई लीव एप्लीकेशन अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से भेजता है तो वो लीव एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगी कुछ इस तरीके से, जैसे ये स्टूडेंट्स ने एक लीव एप्लीकेशन भेजी और ये यहाँ से शो हो जाएगी, आप यहाँ से पेंसिल के बटन पे जाके उनको अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे ये आपके ऊपर रहेगा। ये पेरेंट सजेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन से ही पेरेंट अपने सजेशन दे सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा आपके पैनल पे। स्टूडेंट एक्सेस में आप देख सकते हैं एग्जाम असाइनमेंट, एग्जाम असाइनमेंट में आप चाहते हैं कि कितनी बच्चों को आप एग्जाम ऑनलाइन कराना चाहते हैं, जिनकी फीस आई है उनको आप एग्जाम कराना चाहते हैं, जिनकी फीस नहीं आई है उनको आप एग्जाम में नहीं बैठाना चाहते हैं तो आप जैसे ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं तो उनको सेलेक्ट करेंगे आप यहां से सेकंड क्लास सेलेक्ट बैच बैच सेलेक्ट बैच एक्टिव स्टूडेंट आप सर्च करेंगे तो ये आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अब जिन बच्चों की फीस आपकी नहीं आई है उनको आप यहां से अनटिक करेंगे और मैप स्टूडेंट्स कर देंगे तो ये उन स्टूडेंट्स को एग्जाम शो नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एग्जाम शो होगा जिन्होंने फीस सबमिट कर दी है। इसी तरीके से आप उनको ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप से एग्जाम असाइनमेंट सेट कर सकते हैं और स्टूडेंट को मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एम्प्लॉई, एम्प्लॉई सेक्शन में आप देख सकते हैं एड एडिट स्टूडेंट कराता है, इसी तरीके से एड एडिट एम्प्लॉई कर सकते हैं, एम्प्लॉई की बेसिक सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं और भी आपको कस्टमाइज करानी है तो वो भी कस्टमाइज हो जाएगी। एम्प्लॉई सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से एम्प्लॉई के नेम से, एम्प्लॉई कोड से, डिपार्टमेंट से, डेजिग्नेशन से। इसके बाद आते हैं एम्प्लॉई अटेंडेंस में, जैसे कि स्टूडेंट अटेंडेंस होता था इसी तरीके से आप एम्प्लॉई का अटेंडेंस दे सकते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल आप सेट कर लेंगे पूरा और उनकी अटेंडेंस यहाँ से दे सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक को भी इस सॉफ्टवेयर से कॉन्फिगर कर देंगे, अगर वो आपके ऑफिस में आके बायोमेट्रिक से अटेंडेंस देते हैं तो ये आपके सॉफ्टवेयर में शो होने लग जाएगी। यहाँ से अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं आप एम्प्लॉई की। इसके बाद आते हैं फी सेक्शन में, फी सेक्शन में हम सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड पे, फी डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टुडेज कलेक्शन, यस्टरडे कलेक्शन, लास्ट 7 डे कलेक्शन, लास्ट 30 डे कलेक्शन और टोटल कलेक्शन आपको शो होने लग जाएगा। इसके साथ भी हाल ही में जिन बच्चों की फीस आई है वो यहाँ पे आपको वो यहाँ इस जगह पे आपको शो होने लग जाएगी। इसके बाद आते हैं फी ग्रुप में, यहाँ से आप फी ग्रुप मैनेज कर सकते हैं, पीजी नर्सरी आप अपने हिसाब से इसको पूरा फी ग्रुप सेट कर सकते हैं, यहाँ से पूरा एडिट कर सकते हैं और आप नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फी ग्रुप मैपिंग, फी ग्रुप मैपिंग कर सकते हैं आप यहाँ से,
फ्री ग्रुप मैपिंग कर सकते हैं इन ग्रुपों को। आप पीजी से नर्सरी देना चाहते हैं, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट देना चाहते हैं, या आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फी कैटेगरी। फी कैटेगरी में आप फी कुल में दो तरीके के स्टूडेंट्स रहते हैं, न्यू स्टूडेंट फी, ओल्ड स्टूडेंट फी। न्यू स्टूडेंट फी के साथ एडमिशन फी जुड़ी रहती है, तो वो यहाँ से आप इसको स्टूडेंट फी कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ से फी डिपॉजिट मोड्स आप सेट कर सकते हैं, कैश से, चेक से, ऑनलाइन, यूपीआई, आप जो भी आप मोड देना चाहते हैं आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से। फी पर्टिकुलर में जाके आप यहाँ पे आप फी पर्टिकुलर सेट कर सकते हैं, प्रीवियस सेशन फी, कंपोजिशन फी, एडमिशन फी, एग्जामिनेशन फी, ट्रांसपोर्ट चार्ज, रजिस्ट्रेशन फी, ट्यूशन फी या स्कूल ड्रेस फी, जो भी फी आप यहाँ से सेट करना चाहें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कोई नया बनाना चाहे ग्रुप तो वो नया भी बन सकता है। इसके बाद आता है फी टर्म। फी टर्म में आप देखेंगे कुछ स्कूल्स होते हैं वो मंथली फीस लेते हैं, कुछ क्वार्टरली फीस लेते हैं, कुछ पूरे साल का फीस लेते हैं, तो उसका फी टर्म सेट करना होता है, तो वो फी टर्म आप इस यहाँ से जाके उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ से जो आपने फी स्ट्रक्चर बनाया है उसमें आप फी, जैसे प्रीवियस सेशन में आप प्रीवियस सेशन की आपकी जनवरी की फी ड्यू है या फरवरी की या फिर जुलाई की, अगस्त की, जो भी फीस ड्यू है आप यहाँ सेट कर सकते हैं। कंपोजिशन फी, एडमिशन फी, आप यहाँ पे जैसे अप्रैल में, मार्च अप्रैल में एडमिशन होते हैं तो आप यहाँ पे अप्रैल में फी सेट कर सकते हैं एडमिशन फी। एग्जामिनेशन फी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेज पर मंथ आप यहाँ सेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ट्यूशन फी या इसके अलावा भी जो भी हेड होंगे वो आप अपने नए बना के और यहाँ पे उसको फी को सेट कर सकते हैं और उसको सेव कर देंगे। वैसे ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग में आपको तैयार करके देंगे अगर आप हमें ये सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे तो, मगर अगर आप चाहते हैं खुद से आगे जाके कभी भी चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है फी कंसेशन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे किसी स्टूडेंट्स को आप कंसेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंसेशन दे सकते हैं। उनको किस मंथ में कंसेशन देना है आप पहले से इसको सेट कर दीजिए। जैसे सिबलिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स में, तो सिबलिंग्स में आप किसी एक स्टूडेंट को छूट देते हैं तो आप यहाँ से उनकी फी कंसेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं और देन उसको सेव कर देंगे। तब जब आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उनका फी कलेक्ट के लिए डालेंगे तो वो सारी चीजें अपने आप शो के आएगी। सॉफ्टवेयर अपने आप उठा के आपको सारी चीजें दे देगा कि इनको कितना कंसेशन देना है, किस मंथ में कितनी फीस है और किस चीज की फीस है। इसके बाद आता है आपका कलेक्ट फीस। कलेक्ट फीस में जाके आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जैसे आप यहाँ डालते हैं आपने 23 डाला, रोल नंबर 23, रजिस्ट्रेशन नंबर 23 या नेम या मोबाइल नंबर से भी स्टूडेंट्स के, तो आप यहाँ पे जो भी डालेंगे वो आपको पे नाउ ये फी का पूरा ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3 आप जिस तरीके से चाहें उनको फी कलेक्ट करके दे सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स का फोटो आएगा, उनकी पूरी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। फी हिस्ट्री भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट की पुरानी फीस जमा है या फिर ड्यू है आप यहां से चेक कर सकते हैं। फी मोड भी यहां पे हमने ऑप्शन दे रखे हैं, कैश, चेक, ऑनलाइन, यूपीआई, अगर आप चाहें तो वो आप सेट कर सकते हैं। यहां कोई रिमार्क्स आप दे सकते हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे, प्रिंट फी रिसीप्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट होके आपके एक ऑफिस कॉपी और एक स्टूडेंट्स कॉपी, दोनों दो कॉपी आपके निकल कर आएंगी। मैं अभी आपको रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा सारी, किस तरीके की रिपोर्ट्स निकलती है। उसके बाद आता है फी रिपोर्ट्स। ये फी रिपोर्ट्स जो होती हैं आपकी डेली रिपोर्ट्स, डिमांड रिपोर्ट सीरियल नंबर वाइज देखना चाहते हैं आप, स्टूडेंट लेजर देखना चाहते हैं, स्टूडेंट लेजर एंट्री वाइज देखना चाहते हैं, कलेक्शन रिपोर्ट देखना चाहते हैं, कंसेशन रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि आपने किस किस को कंसेशन दिया है, और कलेक्शन रिपोर्ट में आपका किस मंथ कितना कलेक्शन आया है या टोटल कलेक्शन कितना आया है, डे टू डे वाइज आप कलेक्शन देखना चाहते हैं, जैसे कलेक्शन सेट करना है किस क्लास का कितना कलेक्शन सेट हुआ, किस बैच का, फी टर्म, प्रीवियस हेड, डे टू डे आप यहां से सेट कर सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक हम फीस देखना चाहते हैं। आप जनरेट करेंगे, आपकी रिपोर्ट ओपन होके आ जाएगी, ये आपकी रिपोर्ट। इसके बाद आते हैं हम चेक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन फी लिस्ट, और जिन बच्चों की ऑनलाइन फी आई है वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो भी आप यहां से लिस्ट देख सकते हैं। चेक ट्रांजैक्शन जिनकी फीस चेक के द्वारा आई है या फिर ऑनलाइन फी लिस्ट, ये आप दोनों यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन फी डिपॉजिट कराना चाहते हैं आप, तो ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा। अगर आपका स्टूडेंट ऑनलाइन फी सबमिट करता है तो आपको यहाँ पे उसकी क्लिक करते ही सारी स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे शो होने लग जाएगी। इसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन में आपका देख सकते हैं एड एडिट व्हीकल, सर्च व्हीकल, आप यहाँ से व्हीकल सर्च कर सकते हैं, एड एडिट व्हीकल सेट कर सकते हैं आप यहाँ से, व्हीकल नंबर, व्हीकल नेम, मॉडल ईयर,
ऑनर नेम, ये सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स विद फोटो आप यहाँ सेव कर देंगे व्हीकल का, जो भी व्हीकल आपके स्कूल में लगे हुए हैं। उसके बाद व्हीकल को सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, व्हीकल टैप यहाँ से सेट कर सकते हैं आप, व्हीकल कैटेगरी सेट कर सकते हैं, फ्यूल टैप सेट कर सकते हैं, ऑनरशिप टैप सेट कर सकते हैं, और उनकी रिपोर्ट्स भी यहाँ से आप पूरी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर में आप देखेंगे, जैसे स्टूडेंट्स को हम कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं, टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, क्लास ऐड करेंगे, कोई भी अटैचमेंट हम देना चाहते हैं, जैसे असाइनमेंट का कोई अटैचमेंट देना चाहते हैं तो उसको चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे और पब्लिश ऑन वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे स्टूडेंट्स को शो होने लग जाएगी और एप्लीकेशन पे भी वो शो होने लग जाएगा असाइनमेंट क्लास वाइज, और स्टूडेंट अपने लॉग इन पैनल में जाके और उसको जाके वहां से अपने असाइनमेंट को देख सकते हैं। इसके बाद आता है डेली होमवर्क। आप डेली होमवर्क देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को तो यहाँ से आप डेली होमवर्क दे सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे उन होमवर्क को चेक कर सकता है और कर भी सकता है। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेज आप स्टूडेंट्स की चाहते हैं बच्चों की, जैसे आप लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन क्लासेज करा रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेज कराने के लिए वेबसाइट पे लिंक्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो यहाँ आप टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन में यूआरएल डालेंगे आप, जैसे आप जूम से, गूगल मीट से या किसी भी थर्ड पार्टी से आप ऑनलाइन क्लासेज करा रहे हैं तो आप यहाँ पे उनका लिंक प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे, लिंक प्रोवाइड करेंगे, क्लास ऐड करेंगे, अपलोड भी देना चाहते हैं, कोई अटैचमेंट भी देना चाहते हैं उसके साथ में तो वो यहाँ अपलोड करेंगे और पब्लिश ऑन वेबसाइट करके सेव कर देंगे, तो वो आपकी वेबसाइट पे शो होने लग जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन पे शो होने लग जाएगा ऑनलाइन क्लासेज का लिंक। इसके बाद आते हैं हम स्टडी वीडियोज पे। जैसे कोई स्टडी वीडियोज आप स्टूडेंट्स के लिए अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पे उनके लॉगिन पैनल में, स्टूडेंट्स के लॉगिन पैनल पे आप शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइटल देंगे, यूआरएल डालेंगे, जैसे यूट्यूब का वीडियो है आपका या किसी भी अदर जूम एप्लीकेशन का लाइव वीडियो है या किसी का भी आप वीडियो आप देना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, क्लास ऐड करेंगे और उनको ये पब्लिश कर देंगे तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको शो होने लग जाएंगी। अब यहाँ से आते हैं हम एग्जाम क्रिएशन में। एग्जाम क्रिएशन में आप यहाँ से एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम नेम, एग्जाम ड्यूरेशन, अंडर यूज या कंप्लीटेड, या जैसे अभी स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा है तो अंडर यूज रहने देंगे और एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको कंप्लीटेड कर देंगे। एग्जाम स्टार्ट ऑन, एंड ऑन, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे तो ये एग्जाम मास्टर में उनको स्टूडेंट्स को आपके एग्जाम की डिटेल्स सारी शो होने लग जाएगी और किन किन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे दिया है ये आप आई बटन पर क्लिक करके और उनको देख सकते हैं, अटेम्प्टेड, मोबाइल नंबर, क्लास, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप एग्जाम का प्रिंट भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है ऐड एडिट क्वेश्चंस। जैसे अभी आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो आप यहाँ से एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड टाइप करेंगे यहाँ पे। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करेंगे और इसको हिंदी में भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन इमेज, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन की एक इमेज दे दें स्टूडेंट्स को तो आप यहाँ से क्वेश्चन का इमेज दे देंगे और उनके ऑप्शन यहाँ पे आप डाल देंगे। इसको अपलोड करने के बाद उनके ऑप्शन यहाँ पे आप शो करा देंगे। आप 5 ऑप्शन देना चाहते हैं 5, 4 देना चाहते हैं 4, आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से और जो भी इसका राइट आंसर होगा आप उस पर टिक कर दीजिए, देन सेव कर दीजिए तो बाय डिफॉल्ट ये स्टूडेंट्स के पास अपने आप उनको शो होने लग जाएगा। यहाँ से आप क्वेश्चन मास्टर सेट कर सकते हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सेट करेंगे वो आपको नीचे शो होने लग जाएंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज हिंदी, आईपी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी की सारी सब्जेक्ट आपको शो होने लग जाएंगे। वन वर्ड, ट्रू फॉल्स आप सेट करेंगे ये सब शो होने लगेंगे। इसके बाद आते हैं हम लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी पे आप देख सकते हैं यहाँ से लाइब्रेरी में आप एड एडिट बुक्स कर सकते हैं। आपको कोई न्यू बुक ऐड करनी है या एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बुक मास्टर में जाके आप यहाँ से एक्सेशन नंबर, बुक टाइटल, एडिशन, आईएसएस नंबर, इशू डेट, एमआरपी, ये सारी डिटेल्स आप बुक का विद फोटो देना चाहते हैं आप यहाँ से फोटो भी दे सकते हैं और उसको सेव कर देंगे तो आपकी बुक का पूरा आपकी बुक यहाँ पे सेट हो जाएगी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में सर्च बुक कर सकते हैं आप, यहाँ से एड एडिट बुक कर सकते हैं, यहाँ से सर्च बुक कर सकते हैं, बुक ट्रांजेक्शन जो हुए हैं उनकी पूरी हिस्ट्री आप यहां से चेक कर सकते हैं, लाइब्रेरी कॉन्फिगर सेट कर सकते हैं आप, कैटेगरी ऑथर मास्टर के हिसाब से, रैक मास्टर के हिसाब से, पब्लिशर मास्टर के हिसाब से आप बुक सेट कर सकते हैं, रैक मास्टर के हिसाब से कर सकते हैं, ऑथर मास्टर के हिसाब से सेट कर सकते हैं, बुक बाइंडिंग मास्टर के हिसाब से सेट कर सकते हैं और वेंडर मास्टर के हिसाब से। इसके बाद आता है हमारा एक पोर्शन एग्जामिनेशन।
सबसे मेन पोर्शन होता है एग्जामिनेशन। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट के मार्क्स एंट्री। मार्क्स एंट्री में आप किसी क्लासेज के मार्क्स एंट्री करना चाहते हैं, सर्च करेंगे। सर्च किया आपने, सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स आ गई, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट्स नेम, मैक्सिमम मार्क्स और अबेंड मार्क्स। आप यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स एक बार सेट कर देंगे तो ये पूरा एक बार में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ अबेंड मार्क्स जो देंगे आप टैब दबाते जाएंगे और उनको सेट करते जाएंगे। स्टूडेंट्स की लिस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे मार्क्स उनके सेट कर देंगे। उसके बाद आता है टीचर्स मार्क्स एंट्री। अगर आप चाहते हैं टीचर्स को एक पैनल दिया जाए अलग से और वो अपने हिसाब से मार्क्स एंट्री करें, तो क्लास सेक्शन सेट करेंगे, वो स्टेटस सेट करेंगे टर्म और सब्जेक्ट, और सर्च करेंगे स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, वो अपने हिसाब से उनके मार्क्स एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद सेव मार्क्स पर क्लिक करके को यहाँ पे सेव कर देंगे। स्टूडेंट के आप रोल नंबर असाइन करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम के टाइम पे आप स्टूडेंट को एक कोई यूनिक रोल नंबर देना चाहते हैं क्लास वाइज पूरे ऑल ओवर स्कूल को, तो आप यहाँ से असाइन रोल नंबर में जाके उनका एक एग्जाम के लिए रोल नंबर असाइन कर सकते हैं। मार्क्स इंपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, और एक्सेल सीट को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। टीचर मैपिंग कर सकते हैं, ऐड एडिट स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से मार्क्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप, टीचर मैपिंग भी कर सकते हैं, ऐड एडिट सब्जेक्ट ऐड एडिट कर सकते हैं आपके स्कूल के हिसाब से, आपने अपने स्टेट के हिसाब से, आप जो भी बोर्ड के हिसाब से आप जो भी सब्जेक्ट आप ऐड एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो हम आपको करके देते हैं, मगर आप उसके बाद भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ग्रुप सब्जेक्ट मैपिंग कर सकते हैं आप, यहाँ से आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, आप स्टूडेंट के रिपोर्ट देख सकते हैं। ब्लैंक मार्क्स स्लिप अगर आप चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए आप ब्लैंक मार्क्स स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं इसके लिए, तो आप यहाँ से ब्लैंक मार्क्स स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। मार्क्स एंट्री लिस्ट देखना चाहते हैं तो मार्क्स एंट्री लिस्ट देख सकते हैं, मार्क्स लिस्ट देख सकते हैं, पीए शीट देख सकते हैं, क्रॉस लिस्ट आप यहां से जनरेट कर सकते हैं, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, टर्म वाइज, समरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड यहां से आप जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड जिस तरीके की आप डिजाइन में चाहेंगे, आपको ये सारी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट कार्ड हैं, आपको उसी तरीके से आपको डिजाइन करके दे दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर सकते हैं, टर्म एग्रीगेट लिस्ट निकाल सकते हैं, टर्म समरी लिस्ट निकाल सकते हैं, ये आप सारी लिस्ट रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं यहाँ से। ये होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स का अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे हम और उनको उनके डॉक्यूमेंट्स को बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिशन फॉर्म DOP या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे जो भी आप एडमिशन के टाइम पे सर्टिफिकेट लेते हैं उन सारे सर्टिफिकेट को आप एक एक करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बर्थ सर्टिफिकेट सेट करना है, डॉक्यूमेंट टाइटल दीजिए स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डॉक्यूमेंट्स रिमार्क्स टैक्स दीजिए और यहाँ से अटैचमेंट जो भी फाइल होगी आप यहाँ से सेट करिए और अपलोड कर दीजिए और देन सेव कर दीजिए, तो ये आपके सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे सेव हो जाएगी। इसके बाद आप किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, स्कूल डॉक्यूमेंट्स टैब डालिए, टाइटल डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और रिमार्क्स देके उसको सर्च कर लीजिए, तो उनकी डिटेल्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। डॉक्यूमेंट टैब मास्टर बना सकते हैं आप यहाँ से, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिशन फॉर्म, DOB एफिडेविट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या इसके अलावा भी आप कोई और डॉक्यूमेंट्स लेते हैं एडमिशन टाइम पे तो आप यहाँ से उनका डॉक्यूमेंट टैब बना सकते हैं, न्यू टैब बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये मास्टर्स होता है जो कि आप अपने बैंक स्कूल के लिए, बैंक सेट करने के लिए, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सेट करने के लिए, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन सेट करने के लिए, रिलीजन सेट करने के लिए, कास्ट वाइज, सोशल कैटेगरी, स्टूडेंट्स हाउस, जैसे स्टूडेंट्स हाउस होते हैं स्कूल में, शिवाजी हाउस, रेड हाउस, स्टूडेंट स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हैं। आप लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट स्टेटस, विजिटर टाइप, ये सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है SMS कॉन्फिगर। आप यहाँ से सेटिंग में जाके SMS कॉन्फिगर, ईमेल कॉन्फिगर, DB बैकअप, ये सारे सेट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। वैसे ये सारी चीजें हम आपको सेट करके देते हैं। ये आता है विजिटर पास का ऑप्शन। जैसे आपके स्कूल में कोई स्टूडेंट्स, कोई भी पेरेंट्स के अलावा स्टूडेंट्स को लेने आता है तो आप यहाँ पे उनका नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर या नेम डालिए और उनको सर्च कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे पेरेंट टैब डालिए, पेरेंट्स, गार्जियन, विजिटर नेम डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, रिलेशन डालिए, उनका रीजन डालिए, किस लिए उनको लेने आए, देन सेव कर दीजिए।
और एक टेक स्नैपशॉट भी ले लीजिए, जैसे पेरेंट्स के अलावा आपके स्टूडेंट्स को कोई और भी लेने आता है तो वो यहाँ पे एक उनका स्नैपशॉट भी ले लिया जाएगा और उनकी पूरी डिटेल्स भी ले ली जाएगी। और जो स्नैपशॉट और पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे सेव कर लेंगे वो आप पेरेंट्स के मोबाइल एप्लीकेशन पे उनको अपने पेरेंट्स लॉगिन में जाके शो होने लग जाएगा कि आपके स्टूडेंट्स को कौन स्कूल से लेकर आया है और किस समय लेकर आया है, क्या रिलेशन है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स उनको शो होने लग जाए। इसके बाद विजिटर पास लिस्टिंग आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये आता है आपका SMS सेंडर। SMS स्कूल के लिए सबसे मेन फीचर्स होता है SMS, तो इसमें हम SMS सेंड कर सकते हैं क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, स्टेटस एक्टिव, ड्रॉप आउट, TC टेकन, किसी भी स्टूडेंट्स को सर्च करेंगे, हम सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे उनकी पूरी लिस्ट निकल कर आ जाएगी। इसके साथ ही एम्प्लॉई को भी भेजना चाहते हैं SMS तो वो भी उनकी भी पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे उनको सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो भी SMS टाइप करके उनको भेजना चाहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, आप वो SMS उनको भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के पास SMS में रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाए उनका, या उनका SMS उनके नेम से जाए, तो आप ये कमांड डालेंगे #studentName, तो ये स्टूडेंट नेम के साथ में ही मैसेज उनके पास पहुंचेगा। क्लास नेम भी आप भेजना चाहते हैं तो क्लास नेम भी आप यहाँ से #classname भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैसेज के साथ पेस्ट कर देंगे तो उनको क्लास वाइज भी सेट होके जाएगा। देन आप सेंड SMS करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि SMS आपको कल सुबह के लिए करना है या फिर संडे के करना है या फिर किसी अदर डे करना है, तो आप यहाँ से उसको शेड्यूल कर सकते हैं। टाइम के लिए आप शेड्यूल करेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक SMS उनके पास, स्टूडेंट्स के पास और एम्प्लॉय के पास आपके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट विजार्ड में। सर्टिफिकेट विजार्ड में आप TC जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट, और भी कस्टमाइज कराना चाहते हैं आप कोई भी और सर्टिफिकेट डिजाइन करा के कस्टमाइज कराना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आपके हिसाब से हो जाएगा। इसके बाद हमारा मेन सॉफ्टवेयर के साथ में एक मेन फीचर ये है कि यहाँ पे आपको वेबसाइट CMS भी मिलता है। वेबसाइट CMS में क्या होता है कि जैसे अभी आप स्कूल का वेबसाइट होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये हमारे स्कूल का एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं ये एक पॉपअप मैसेज आया है, इसके साथ ही आप वेबसाइट में कुछ भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी डिजाइन जो वेबसाइट है इनमें जो भी कुछ नेम वो या कुछ भी पड़ा हुआ है ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर से उठकर आ रहा है, सारी सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर से उठकर आ रही हैं। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये भी एक स्कूल की वेबसाइट है, इस पर पॉपअप SMS, स्कूल की ये इमेज, ये सारी डिटेल्स जो है एक सॉफ्टवेयर से ही उठकर आ रही हैं आपके। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमने स्कूल का, पूरे वेबसाइट को आप और एप्लीकेशन को आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं। आपको बार बार आपके सॉफ्टवेयर वालों से हमसे बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल सेट कर सकते हैं, स्लाइडर इमेज सेट कर सकते हैं, फैसिलिटीज सेट कर सकते हैं, जनरल रूल्स सेट कर सकते हैं, एडमिशन सेट कर सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स सेट कर सकते हैं, बोर्ड टॉपर आप शो करना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पे, यहाँ हॉल ऑफ फेम आप सेट कर सकते हैं, स्कूल कैबिनेट आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से सोशल मैसेजेज आप देखना देना चाहते हैं, पॉपअप इमेज कोई आपकी वेबसाइट ओपन हो और वहाँ पे पॉपअप इमेज अपने आप सेट हो जाए तो आप यहाँ से टाइटल देंगे, अटैचमेंट फाइल को सेट करेंगे, अपलोड कर देंगे और पब्लिश ऑन वेबसाइट पे सेव कर देंगे, पब्लिश ऑन वेबसाइट पे टिक करके उसको सेव कर देंगे, तो ये यहाँ के आपके पब्लिश होने के बाद यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा और आपकी वेबसाइट पे अपने ऑटोमेटिक शो होगा। इसके साथ ही आप सोशल लिंक लगाना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब का, फेसबुक का, किसी भी तरह का सोशल लिंक लगाना चाहते हैं तो आप यहां से सोशल लिंक सेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल मैसेज कोई भी देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को तो प्रिंसिपल मैसेज आप यहां से सेट कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल मैसेज, प्रिंस मैसेज आप सेट कर सकते हैं विद फोटो, टेस्टिमोनियल्स कोई देना चाहते हैं तो वो आप यहां से सेट कर सकते हैं, एकेडमिक में आप सिलेबस स्टूडेंट्स का क्लास वाइज डालना चाहते हैं वो आपको पेरेंट लॉगिन मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखेगा, असाइनमेंट्स आप यहां से सेट कर सकते हैं, डेली होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क यहां से दे सकते हैं, टाइम टेबल, असेसमेंट, एग्जाम शेड्यूल, एकेडमिक कैलेंडर, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही गैलरी, गैलरी में आप क्रिएट एल्बम बनाना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट खुलते ही सबसे पहले ये एक फोटो जा रहे हैं स्टूडेंट्स आपके स्कूल की गैलरी के, ये स्टूडेंट्स की गैलरी के जो फोटो चल रहे हैं ये यहाँ से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप डाल सकते हैं, ये फोटो जो आ रहे हैं चलते हुए। यूट्यूब वीडियोज का लिंक भी आप दे सकते हैं, एक्टिविटीज पॉपअप इमेज अगर आप चाहते हैं पॉपअप इमेज आपके वेबसाइट खोलते ही पॉपअप इमेज आए तो यहाँ से सेट हो सकता है, स्क्रॉल नोटिस आपकी वेबसाइट पर कोई स्क्रॉल नोट
आपकी वेबसाइट पे चलता हुआ कोई स्क्रॉल नोटिस देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। नोटिस बोर्ड आप एक साइड में वेबसाइट पे सेट कर सकते हैं, न्यूज एंड इवेंट्स आप सेट कर सकते हैं, जनरल कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीजें आप खुद ही सेट कर सकते हैं। जैसे आप पॉपअप मैसेज देना चाहते हैं, टाइटल डालेंगे, पॉपअप इमेज सेट करेंगे, अपलोड करेंगे, पब्लिश ऑन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे, बस सिंपल सा है। जनरल कम्युनिकेशन, न्यूज इवेंट्स, कोई नई न्यूज एश्योरेंस को देनी है, इवेंट सर्टिफिकेट यहाँ से आप देख सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसे आप भी कोई स्टूडेंट मतलब पास आउट होकर जा चुका है, उसका टीसी आप यहाँ से स्टूडेंट्स की आप सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पे उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड कर, जहाँ से वो उनको डाउनलोड करके प्रिंट ले सके। जैसे आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट पास आउट हुए बच्चों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे आप चाहते हैं अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, स्टूडेंट नेम डालिए, सर्टिफिकेट सेट करिए, अपलोड करिए और वेबसाइट पर पब्लिश कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है ये सॉफ्टवेयर, इससे इजी सॉफ्टवेयर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, इतना इजी सॉफ्टवेयर है कि आप इसको पूरा का पूरा खुद मैनेज कर सकते हैं। इसके अलग अलग आप चाहते हैं कि आपके, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टाफ को इसका पूरा अलग अलग लॉगिन आईडी यूजर बना के दे दिया जाए तो आप हमें बताइए और उस हिसाब से हम आपके अलग अलग लॉगिन यूजर भी बना के दे देंगे। और जो स्कूल के मेन हेड हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके पास ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उनके अंडर में रहेगा। इंस्टीट्यूट ईआरपी यहाँ से क्लिक करेंगे और हम स्टूडेंट ईआरपी पर चले जाएंगे, ये ऑफ करने का रहता है। और वेबसाइट सीएमएस पर जाकर हम वेबसाइट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, स्टूडेंट ईआरपी पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। साथ ही मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स और दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये स्कूल का ब्लैंक मार्क स्लिप है, यहाँ पे आपका रोल नंबर, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट्स नेम और ये सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक स्लिप पे सेव होकर आएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। आप एक बार में प्रिंट कर सकते हैं मार्क्स एंट्री लिस्ट में जाकर और अपने टीचर्स को दे सकते हैं, जिसमें वो आप क्लास वाइज स्टूडेंट में मार्क्स एंट्री करके आपके ऑपरेटर को देते हैं। इसके साथ ही कलेक्शन समरी डेट आप ये देख सकते हैं, ये कलेक्शन समरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अभी अपने स्कूल के लिए पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये स्कूल का ये फी स्लिप है, ये फी स्लिप की कॉपी है, यहाँ पे आपकी फी स्लिप आपके हिसाब से डिजाइन कर दी जाएगी, जिसमें आपकी पेरेंट्स कॉपी और ऑफिस कॉपी एक साथ दो कॉपी निकल कर आती हैं, एक जो कि आप पेरेंट्स को देंगे, एक ऑफिस के लिए रखेंगे रिकॉर्ड के लिए। ये आपका आईडी कार्ड, आप स्कूल का आईडी कार्ड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ऑल ओवर क्लासेज का, ऑल ओवर स्कूल का या क्लासेज वाइज, जिस तरीके से आप चाहें आपको एक बार में ही पूरा आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट होके मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज का नेम, स्कूल लोगो, फोटो, स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स, आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन भी करा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे आपकी वेबसाइट से कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेता है, इस तरीके से एक फॉर्म बनकर आपको शो होने लग जाएगा। ये है आपके स्कूल का एक रिपोर्ट कार्ड, इस तरीके से आप रिपोर्ट कार्ड, सीबीएसई का पैटर्न है ये, अगर आप चाहते हैं तो आपके हिसाब से ये डिजाइन हो जाएगा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड। इसके साथ सोशल कैटेगरी रिपोर्ट आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं, स्ट्रेंथ रिपोर्ट इस तरीके की होगी कुछ। ये आपका रहेगा एडमिट, आप स्कूल में एग्जाम कराने समय आप स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि एक एडमिट कार्ड जैसा उनको दिया जाए, एडमिट कार्ड डेट शीट टाइप, तो आप यहां से पूरा डेट शीट सेट करके सॉफ्टवेयर से ही डेट शीट सेट हो जाएगी और स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स तो सॉफ्टवेयर में होगी और प्रिंसिपल सिग्नेचर, एग्जाम इंचार्ज सिग्नेचर, इन सब की डिटेल्स आपको ये यहाँ पे एक एडमिट कार्ड में हो जाएगी। ये A4 शीट पे एक पे तीन एडमिट कार्ड आपके निकल आएंगे और आप यहां से सॉफ्टवेयर से इनको प्रिंट करके आप एक एक स्टूडेंट्स को उनका डेट शीट और एडमिट कार्ड दे सकते हैं। और ये है आपका विजिटर पास, ये विजिटर पास अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके स्टूडेंट्स को कोई लेने आता है और उनका एक विजिटर पास बना के दिया जाता है, स्टूडेंट होगा उसका फोटो, उसकी पूरी डिटेल्स आएगी, विजिटर्स की यहाँ पे पूरी डिटेल्स आएगी विद फोटो और किस डेट पे किस टाइम पे ये उनको लेकर गए हैं, तो ये विजिटर पास इस तरीके से आपको शो होने लग जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल एप्लीकेशन, तो कुछ इस तरीके से आपको स्कूल का मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पे आपका स्कूल का पूरा लोगो, ये सारी सारी डिटेल्स होंगी, इसमें आपके स्कूल की जो भी इमेज आप वेबसाइट पे अपलोड करेंगे आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू वो यहाँ पे एप्लीकेशन पे भी शो होंगी। यहाँ पे आपके स्कूल का नेम आएगा, ये आप पब्लिक ऐप है, इसमें आपको नोटिस, होमवर्क, एडमिशन, सिलेबस, गैलरी, वीडियोज, न्यूज, इवेंट्स, एग्जाम शेड्यूल और हॉलीडे होमवर्क मिलेगा। यहाँ पे आप मैनेजर का मैसेज भी मिलेगा, प्रिंसिपल मैसेज मिलेगा। अब आप पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहां जाएंगे और पेरेंट लॉगिन ऑप्शन पे जाके पेरेंट्स लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, इस तरीके से कुछ आपके स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स आ जाएगी विद फोटो। सिबलिंग्स होंगे तो वो उनकी डिटेल्स भी यहां पे आ जाएगी जो कि एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होंगे। अब आप
चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स आप यहाँ से देखना चाहते हैं, जैसे अटेंडेंस देखना चाहते हैं तो अटेंडेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, फ़ी आप यहाँ से देख सकते हैं कितना सबमिट हुआ है, कितना बचा हुआ है। पेरेंट्स चाहें तो ऑनलाइन फ़ी भी एप्लीकेशन से सबमिट कर सकते हैं। एकेडमिक्स देख सकते हैं, लर्निंग वीडियोज यहाँ से देख सकते हैं, स्टूडेंट क्लासमेट्स देख सकते हैं, माय टीचर्स देख सकते हैं, एग्जाम शेड्यूल्स देख सकते हैं। यहाँ से अगर स्टूडेंट्स चाहें लीव एप्लीकेशन देना ऑनलाइन तो यहाँ से वो लीव एप्लीकेशन देंगे और वो टीचर्स के पैनल पे उनको शो होने लगेगा, जिससे कि वो वहाँ से अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे ये उनके ऊपर रहेगा। पेरेंट्स यहाँ से सजेशन दे सकते हैं जो कि आपके पैनल स्कूल पैनल पे शो होगा। गेट पास के लिए मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर से गेट पास जनरेट करते हैं, गेट पास जनरेट का एक यहाँ पे विद फोटो पूरी डिटेल्स विजिटर्स की पूरी यहाँ पर शो होने लग जाएगी आपको एप्लीकेशन पे, पेरेंट्स के एप्लीकेशन पे। इसके साथ ही एप्लीकेशन में आपको टीचर्स लॉगिन और मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सॉफ्टवेयर, साथ में ये मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट आपको मिलता है जो कि आपके सॉफ्टवेयर से लिंक रहता है। तो ये था हमारा स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस अच्छे और सस्ते सॉफ्टवेयर का आप भी यूज कर सकते हैं अपने स्कूल्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने कॉलेज में ये सॉफ्टवेयर लगाना, कॉलेज के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर तैयार है। अगर इसी तरीके से आप और भी सॉफ्टवेयर कोई जनरेट कराना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कराना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो वो सॉफ्टवेयर भी आपको तैयार होकर मिल जाएगा। इसके लिए आप कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा इस दिए हुए नंबर पे और आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सॉफ्टवेयर कैसा लगा और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वाले स्कूल वालों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।